नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। आज मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। इस क्रम में ग्वालटोली स्थित नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस विषय पर न्यूज अब भारत के संवाददाता से हुई विशेष वार्ता में अस्पताल की मुख्य चिकित्सिका डॉक्टर हनी मल्होत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है और आज के इस मुख्य कैंप में जापानी बुखार या दिमागी बुखार के टीकाकरण का कैंप लगाया गया है, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज यहाँ पे आरोग्य मेला है और ये हर संडे को यहाँ पे हो रहा है। हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने ये कार्यक्रम शुरू किया है लोगों की सुविधा के लिए, बिकॉज रूटीन बेस में बहुत से लोग हैं जो ये सुविधा ले नहीं सकते हैं, इसलिए हर इतवार में यहाँ पे पूरे शहर में पूरे यूपी में आरोग्य मेला रखा जाता है। और इसमें हम लोग डिफरेंट स्टॉल्स रखते हैं जिसमें मरीज़ों को देखा जाता है, मरीज़ों को PMY की एक योजना है उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है, फॉर्म्स भरे जाते हैं और यहाँ पे दवाई दी जाती है, लैब टेस्ट होते हैं यहाँ पे, तो बहुत सी, और आयुष्मान के गोल्डन कार्ड्स बनते हैं और कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। और आज जापानी एनकेफेलाइटिस, जो जापानी बुखार है, उसका इनॉग्रेशन है पूरे यूपी में, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया है और बच्चों को टीके दे रहे हैं 15 साल की उम्र तक को, जिनको आज तक मिले नहीं। कानपुर से निशांत पाठक की रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।